जगह जगह एरिया डोमिनेशंस के लिए फोर्स तैनात की गई है, बंकर्स लगाए गए हैं, आरओपी लगाई गई है और हमारी कोशिश यही रहेगी कि कोई भी राष्ट्र विरोधी ताकतें इस पार्लियामेंट्री इलेक्शंस में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न न कर पाए। हाँ, मैं जरूर जरूर वोटिंग करूंगी और मैं ये कहना चाहती हूँ, सभी लोगों को कहना चाहती हूँ कि वोटिंग करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बदलाव बहुत जरूरी चीज है अभी इस माहौल के लिए। तो आप सब लोग वोटिंग करें, अच्छी तरह से वोटिंग करें, सोच समझ के वोटिंग करें। हम वोटिंग करने जाएंगे तो कल यंग जनरेशन के मुद्दे पे ही हम नोटिस करेंगे, क्योंकि यंग जनरेशन को अभी जितना मिलना चाहिए उतना मिलता नहीं है। जॉब की वजह से, एजुकेशन की वजह से, वो पूरा सब उनको मिलना चाहिए जो वो क्वालिफाइड है। कि हम ऐसी सरकार चुन कर लाएं जिससे देश का फायदा हो और देश में अमन और शांति बनी रहे। वोट पाना बहुत साडा जरूरी अधिकार है, जिदा अधिकार नूं साडा इस्तेमाल करना चाहिए। वोट तो बगैर साडी सियासत खराब हो जाएगी। बाकी चंगे साख किदार आले, वधिया किदार आले, उच्चे किदार आले जिहड़ा कि तुहाडा उम्मीदवार होवे उहनूं वोट पाईए, तां जो आण वाला पंजाब, आण वाला मेरा देश, आण वाला मेरा शहर साफ सुथरा बने। सील वाला प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा गंभीर था, इसलिए कि सील सही नहीं होगा तो डाउटफुल पोल हुआ, तो इसके लिए हम लोग वहाँ सील को अच्छी तरह सीख ले रहे हैं और कुछ नहीं।